और मेरे भाई कैसा चल रहा है सब कुछ। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आप पबजी मोबाइल को आराम से पीसी पे खेल सकते हो, और उसके लिए एक ऑफिशियल तरीका भी है जो है टेंसेंट गेमिंग बड़ी, जो कि टेंसेंट ने खुद रिलीज किया है और वो एक ऑफिशियल एम्यूलेटर है। तो अगर किसी को भी पबजी मोबाइल पीसी पे खेलना है तो वो सबसे पहले टेंसेंट गेमिंग बड़ी को कंसिडर करता है। लेकिन वहीं पर रुक जाओ, एक और चीज है जिससे आप पबजी मोबाइल पीसी पे खेल सकते हो और आपको बहुत सही परफॉर्मेंस मिलेगी, कम से कम टेंसेंट गेमिंग बड़ी से तो अच्छी परफॉर्मेंस ही मिलेगी, और उसका नाम है फिनिक्स ओएस। तो समझ रहे हो ना, ये कोई एम्यूलेटर नहीं है, ये एक ओएस है। और ओएस से मेरा मतलब है कि आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से इंस्टॉल करोगे जैसा आप अपनी विंडो इंस्टॉल करते हो, ना कि टेंसेंट गेमिंग बड़ी की तरह जिसमें आपको पहले विंडोज ऑन करनी पड़ती है, फिर टेंसेंट गेमिंग बड़ी को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद टेंसेंट गेमिंग बड़ी चलता है। तो मतलब ये एक दो तीन स्टेप वाला मामला है टेंसेंट गेमिंग बड़ी में। और इससे बताऊं क्या नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान है रैम और प्रोसेसर का। अगर आप सिर्फ फिनिक्स ओएस चलाओगे तो फिनिक्स ओएस में कोई विंडो की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सारी रैम उसी की है। वहीं पे अगर आप टेंसेंट गेमिंग बड़ी चलाओगे तो वहां पे आपको विंडोज भी ऑन रखनी पड़ती है, जैसे कि आपको मालूम है विंडोज से ही टेंसेंट गेमिंग बड़ी खुलेगा, तो आधी रैम तो विंडोज ने कवर कर रखी है, बची भी आधी मिलती है टेंसेंट गेमिंग बड़ी को। इस वजह से उसमें जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा कम आती है, भले आपके पास डिसेंट हार्डवेयर भी क्यों ना हो। तो टेंसेंट गेमिंग बड़ी में थोड़ा वाया वाया वाला मामला है। मैंने दोनों पे पबजी मोबाइल चला के देखा और मेरे को ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस फिनिक्स ओएस पे मिली, और साफ सी बात है यार, क्योंकि उसको अपने रिसोर्सेज विंडोज के साथ शेयर नहीं करने पड़ रहे हैं। तो अगर आपको भी टेंसेंट गेमिंग बड़ी में परफॉर्मेंस इश्यू आते हैं, फ्रेम ड्रॉप्स आती है जब आप रश करने जाते हो, कोई टीम आपको रश करती है तो FPS अचानक से बहुत कम हो जाती है और ग्लिच मारने लग जाता है गेम, और अगर आप पबजी मोबाइल फिनिक्स ओएस में खेलोगे तो आपको ये जो फ्रेम ड्रॉप्स और जो फ्रेम फ्लक्चुएशन है ना, ये इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे बहुत कंसिस्टेंट फ्रेम रेट आती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि टेंशन गेमिंग बड़ी चलते चलते क्रैश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ टेंशन गेमिंग बड़ी में ही पबजी मोबाइल चला के देखा, मैंने आप सबके फेवरेट एंड्रॉइड एम्यूलेटर में भी चला के देखा, जो कि है ब्लू स्टैक्स। और ब्लू स्टैक्स तो सबका ही बाप है भाई, उसको तो कितनी 16 GB रैम थे तो ही हैंग होगा वो तो, और इतना हीट हो जाएगा पीसी और लैपटॉप में खेलोगे तो भाई आपका लैपटॉप वो बन जाएगा माइक्रोवेव। तो ब्लू स्टैक्स तो मतलब सबसे घटिया ऑप्शन है भाई, मतलब अगर आप अंदर से चाह रहे हो कि आपका गेम हैंग हो तो आप ब्लू स्टैक्स पे खेलो, और अगर आप बहुत ज्यादा लो एंड हार्डवेयर पे हो जैसे 4 GB रैम डुअल कोर CPU तो आप फिनिक्स ओएस पे बिल्कुल जाओ मेरे भाई। तो अगर आप फिनिक्स ओएस को ट्राई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आपको उसको डाउनलोड करना है, वो एक EXE फाइल है, आपको सिर्फ रन करके उसको इंस्टॉल करना है।